हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बड़ी जल्दी शुरू हो रहा है। क्लास जा रहा आ गया, सुबह जल्दी गया था क्लास। रात वक्त संकेत भाई का कॉल आया कि घर आ जाओ। तो संकेत भाई के घर गया तो वहाँ पर थोड़ा गणपति के पीछे का जो डेकोरेशन होता है वो करने लग गया उनके साथ, और लाइटिंग वीटिंग लगा कर अच्छे से तैयार कर कर वहाँ कर आ गया मैं। आपको जब शाम में मैं जब उसके घर जाऊँगा संकेत भाई के, तब आपको भी दिखा दूंगा। तो फिलहाल तो घर में आया, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, आने बाद फ्रेश हुआ, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए सब कुछ। अब अगर थोड़ी देर बाद मैं एडिटिंग के लिए बैठा था और देखा कि बारिश आ रही है, तो बारिश थोड़ी गिर रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो भीगना तो नहीं चाहता मैं। थोड़ा मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाने में दिल भी नहीं लग रहा, तबीयत थोड़ी खराब है तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी, और फेस भी डल पड़ गया है, डाउन हो गया सारा। बालों को भी सेटअप लगाना नहीं, सेटअप भी नहीं लगाया बालों को मैंने, ऐसे ही कर रहा हूँ वीडियो। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तबीयत थोड़ी खराब है, पेट में थोड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर के पास भी गया था मैं, डॉक्टर ने दवाई भी दे दी है, वो भी खा कर देखता हूँ थोड़ा कम आता है कि नहीं। अच्छे से कम आएगा तो फिर ठीक है वालिज में, और ना फिर से दूसरे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा कर आ जाएंगे। तो अभी थोड़ी एडिटिंग बाकी है मेरी, वो करता हूँ, उसके बाद थोड़े बाकी काम है, और क्लास में थोड़ा राइटिंग भी दी, वो भी करना पड़ेगा। तो एडिटिंग करता हूँ पहले। तो गाइस, मैं नाश्ते के लिए क्या लेकर आया हूँ देखिए, माय स्वीट माय फेवरेट ढोकला। गाइस मुझे ढोकला बहुत पसंद है, आई लव ढोकला, तो खाते हैं ढोकला। कैसा लग रहा है आपको? अगर क्या आपकी पसंदीदा चीज प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं भी वो खाना शुरुआत कर दूंगा, मैं भी वो ट्राई करूंगा अच्छी लगती है कि नहीं। तो ये तो मुझे फिलहाल बहुत अच्छी लगती है, तो खाते खाते वीडियो करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। ढोकले का मजा ही कुछ अलग ही है यार, गजब है गजब। कितना भी ढोकला खा लू जी नहीं भरता ढोकले, इतना टेस्टी लगता है मुझे। गाइस तुम्हें जो क्लास में हमें राइटिंग दी है ना, जो लिखकर लेकर जाना है ना, तो मैं लिखना चाहता था, लिखने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गई लिखने की वजह, जो फोटो सेंड किए हैं ग्रुप पर वो उसी की प्रिंट मार दूंगा और वो पेज पर चिपका दूंगा, तो उसे अंडरलाइन करके हम नोट निकाल सकते हैं। इस झंझट में पढ़ना या लिखना, या मुझे लिखने से बहुत नफरत है, लिखना हर की अच्छा नहीं लगता मुझे, तो चिपका देंगे उसे प्रिंट मारकर, हो जाएगा अच्छे से यार। चुप लिखो बार बार है, अपनी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है, एक बिल्ली का पैर, एक कुत्ते का पैर, डॉगी का पैर, तो रहने देते हैं, तो वही चिपकाता हूँ मैं। तो अभी क्या करे, आज करना कुछ तो है, कुछ तो डेफिनेटली अलग करेंगे आज, तो क्या करे प्लीज कमेंट कर देना अगले ब्लॉग में आप लोग, तो वही करेंगे। तो आज कुछ बाहर चलते हैं, बाहर ही कुछ हटके करते, तो कुछ सोचता हूँ और फिर से करते हैं, फिर करते हैं आप लोग जो मैं सोचने वाला हूँ। गाइस तो नाश्ता कर लिया, ढोकला मैंने खा लिया, तो अभी निकलते हैं अम्मी जी के पास। तो मैंने आ गई मेरे पास, देखिए क्या है बेटा, साली मुझसे चिपके रहती है। तब मम्मी पास जाना है, तो थोड़ा लैपटॉप मैंने सुबह लेकर गया था, और आपको तो पता है मेरा लैपटॉप वगैरह चार्जर की नहीं चलता, तो चार्जर लेते हैं लैपटॉप का, और अपना चार्जिंग फोन का भी चार्जिंग ले लेते हैं, और निकलते हैं मम्मी जी के पास। वहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा आता है, तो यूट्यूब का भी अपलोड, यूट्यूब का एक वीडियो मेरा कॉपीराइट आ गया था, तो जो मैंने अपडेट मतलब तो जो मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, तो उस पर कॉपीराइट आ गया था, क्योंकि मैंने उसमें सॉन्ग थोड़ा अलग यूज़ किया था, उस पर कॉपीराइट आ गया था, तो उसे हम लोग आज फिर से उसे मैंने सुबह डिलीट कर दिया,
अब फिर से अपलोड करते हैं और फिर उसमें अपलोड करेंगे, कॉपीराइट निकल जाएगा अभी, तो चलते हैं उधर अपने जो दूसरा घर है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर नेटवर्क फास्ट है, तो लैपटॉप का वही यूज़ करके अपना फेसबुक पर भी मैंने चैनल अपना बेच के रेट किया है, आपको मैं लिंक कर भेज दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और मेरे वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी निकलते हैं अपना चार्जर लेकर, तो ये रहा चार्जर, ये दोनों ले लेते हैं, ये भी और लैपटॉप का चार्जर भी। ये और बूस्टर भी ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर स्विच नज़दीक नहीं है, तो ये सब रखने के लिए एक थैली ले लेते हैं। तो मैं थैली लेकर आता हूँ, उसमें डालते हैं और निकलते हैं अम्मी जी के पास।